Given the horrible acts that he engaged in, both as a judge and as president, to the extent he can no longer engage in them, yes, the Iranian people are probably better off. Если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. अमेरिका ने की रईसी की बेइज्जती, अमेरिका ने उड़ाया ईरानियों का मजाक, ईरान पर अपने बयान से पलटा अमेरिका, ईरान के समर्थन में उतरा रूस, पुतिन ने दिया ईरानियों को मदद का भरोसा। 19 मई 2024 को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्ली हियान समेत 9 अधिकारी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान के पूर्वी प्रांत अजरबैजान में क्रैश हुआ था। उनके साथ दो अन्य हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर रहे थे, लेकिन एक झटके में बादलों के एक पैच की वजह से रईसी का हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है, जिसके बाद उनके हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की खबर आती है। लेकिन जब यह हादसा हुआ था तो उस वक्त अमेरिका ने रईसी की मौत पर आधिकारिक संवेदना व्यक्त की थी और कहा था कि वो ईरान की राष्ट्रपति को संवेदना व्यक्त करता है और इस दुख की घड़ी में ईरान की हर संभव मदद के लिए तैयार है। उस वक्त पूरी दुनिया में इस बात को लेकर हैरानी थी कि ईरान और अमेरिका में इतने खराब संबंध होने के बावजूद अचानक अमेरिका का दिल ईरान के लिए कैसे पिघल गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने अपने उस बयान से पलटी मार ली है और उसने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत का मजाक उड़ाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में ये तक कह दिया कि रईसी के बिना ईरान के लोग ज्यादा बेहतर हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पिछले बयान को लेकर अमेरिकी संसद की विदेश संबंधी समिति के सामने एंटनी ब्लिंकन पेश हुए थे और इस समिति के सामने ईरान पर दिए गए बयान को लेकर एंटनी को अपनी सफाई पेश करनी थी, लेकिन इस समिति ने एंटनी को जमकर रगड़ा। समिति के सांसद टेड क्रूज ने ब्लिंकन को घेर लिया। वहीं सांसद जॉन बारासो ने कहा कि ये बात काफी चौंकाने वाली थी कि विदेशी स्टेट डिपार्टमेंट स्वतंत्र दुनिया के दुश्मन के लिए शोक मनाएगा। See, your State Department put out a statement sending condolences for his death. Mr. Secretary, is the world better today now that Raisi is dead? Given the horrible acts that he engaged in both as a judge and as president, to the extent he can no longer engage in them, yes, the Iranian people are probably better off. You didn't say that in your statement, did you? I believe that we did. And certainly our spokesperson... Today, the United Nations is flying their flag at half-staff to mourn the death. Would you agree that it is utterly disgraceful for the United Nations to be mourning the death of the butcher of Tehran? We're certainly not mourning his death. As I said, we expressed... Would you agree it's disgraceful for the UN to be? I'll look at what they've done. We certainly would not do that. What they've done is flown the flag at half staff. Is that disgraceful? We wouldn't do that, and we would certainly find that. And I would note that's the absence of American leadership. All right, let's. आपको बता दें कि एक तरफ जहां एंटनी ब्लिंकन अपने ही बयान पर अमेरिका में घिर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को इस दुर्घटना में हर संभव जांच का वादा किया था, और अब रूस ने ब्लिंकन के इस बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका के उच्च अधिकारी द्वारा इस तरह की बात कहना एक भद्दा बयान है। इस तरह का बयान पूरे ईरानियों का अपमान है। वहीं दूसरी तरफ अपने पिछले बयान का बचाव करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमने उन मामलों में भी संवेदना व्यक्त की है जब किसी देश, चाहे वो विरोधी है या दुश्मन है या नहीं, उन मामलों में हमने संवेदना व्यक्त की है। इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं है कि रईसी ने कई सालों तक अपने ही लोगों का दमन करने के साथ निंदनीय आचरण में वो लगे हुए थे।